हेलो गाइस, वेलकम टू जीए फैमिली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुजरात वर्सेस राजस्थान के बीच में जो जयपुर पे मैच होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, डिस्कस शुरू करने से पहले कल का जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन दिया था कितना सही हुआ वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ। और जो पंत टॉस के बाद जो मैं आपको जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि और ज्वाइन होकर बने रहना हम लोगों के साथ, ठीक है। एक मैच में एवरेज जाएगा, उसके बाद देखिए आप लोग बहुत जो हम अभी का जो सिचुएशन में उसकी बात कर रहा हूँ, लोग फेक स्क्रीन शॉट के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। लोग झूठ बोलता है, फेक स्क्रीन शॉट देता है, फिर भी उन लोगों के पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है। हम लोग जेन्युइन काम करते हैं। उसके बाद आप गलत इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत सारा ये गलत इन्फॉर्मेशन देता है। कोई आप लोगों को कुछ शेयर नहीं करता है, जस्ट एक टीम शेयर कर देता है, बाकी कुछ आप लोगों को नहीं समझाता है, ना ही आप लोगों को कोई गाइड करता है, फिर भी उन लोगों के पास लोग बने रहता है। मतलब पता नहीं क्या ये मिलता है, बट हम लोग आप लोगों को ये फैमिली जो है ना, आप लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाए। हम लोग आप हमारे जरिए आप कुछ सीखे फैंटेसी के बारे में, आपको कैसे खेलना है, आपको कैसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे एवरी मैच में मैं टॉस के बाद आप लोगों को पांच पिक शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ तो इसका फायदा उठाएंगे। आप हमारे साथ अगर कंटिन्यू करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए आप हमारे साथ आप लोग हमारे सपोर्ट करेंगे, आप लोग जे फैमिली को सपोर्ट करेंगे, आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते रहेंगे। बस आप लोगों का काम क्या है, आप लोग हमारे वीडियो का अगर अच्छा लगता है लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा वीडियो लगता है, लाइक कमेंट करिए, फीडबैक भी दे सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और अपने हमारा जो चैनल है अगर आपको पसंद आता है तो फिर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बस यही काम है आपका, और क्या काम है, बाकी तो आप लोगों के लिए हम लोग काम करें। देखिए कल का मैं पिक जो मैंने आप लोगों को बोला, क्या गलत कोई अगर गलत बोला अगर, और मेरा वीडियो भी देख लेना, मैं 92-95% मैंने आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था, या 100% ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था पूरा मैच में। एक कल का हमारा टीम था, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने के बाद भी आप जीएल में बहुत अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं कि देख सकते हैं आप कितना। आप अगर दो तीन चेंजेस करेंगे ना तो आराम से जीएल में अच्छा खासा, जैसे सुयश शर्मा को हम लोगों का लगा था कि मतलब सेकेंड इनिंग्स में आएगा, क्योंकि पिच भी थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली था। अगर सेकेंड इनिंग्स में आता तो आराम से इसको एक दो विकेट मिल जाता, ठीक है। तो चलो वो मतलब हम लोग ये जीएल का टीम, ये हमारा जीएल का टीम है। अगर आपको इस पर एसएल खेलना है तो ऐसे ही जो हमारा मतलब थोड़ा सा रिस्की प्लेयर रहेगा उसको आपको हटा के एसएल खेल सकते हो, बाकी आराम से आप एसएल भी यून कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया आप देख सकते हैं, मैंने बोला राणा मास्ट है, मार्करम को मास्ट है जीएल, चक्रवर्ती भी सीबीसी टाइगर्स को। कल इंपॉर्टेंट एकदम बहुत ही ये टाइम पे बॉल किया लेकिन विकेट नहीं मिला, ये थोड़ा सा हम लोगों का बैड लक है, एक ही विकेट मिला, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को सुयश शर्मा के बारे में बोला था, सुयश शर्मा अगर आता इंपैक्ट प्लेयर में आता तो 100% उसको विकेट मिलता, लेकिन केकेआर का मैनेजमेंट पता नहीं क्या सोच के नहीं मतलब लेके, जस्ट दो ओवर बचा था फिर भी अनुकूल राय को खिला दिया, बट ठीक है वो लोग जीत गए, उसका वो लोग अच्छा ही जानते हैं क्या क्यों किया नहीं किया। बाकी मैंने नटराजन के बारे में बोला, नटराजन ड्रीम टीम में है, ठीक है। मार्करम जीएल, बाकी मार्करम को मैंने अब कैप्टन करने के लिए बोला, मार्करम जीएल में कैप्टन है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं जैसे जॉनसन और भुवनेश्वर में से एक चलेगा, दोनों ही मतलब कुछ ना कुछ, लेकिन जॉनसन ने सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया। तो गाइस मैं आप लोग को गाइड करता हूँ, आप लोग जो मैं जो गाइड करता हूँ ना पूरा वीडियो आप देखेंगे तो ये जो मैं बोल रहा ना आप लोगों को टॉस के बाद, ये आपको इस ठीक से आप यूज कर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग हमारा वीडियो को देखिए, और उसके बाद जो मैं टॉस के बाद जो आप लोगों को पिच रिपोर्ट शेयर करूँगा, पंच पिक शेयर करूँगा, वो आप उसका आप अच्छे खासे यूज कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज हम लोग चलो वीडियो मतलब डिस्कस शुरू करते हैं, हम लोग ड्रीम इलेवन पर चलते हैं और डिस्कस शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं ड्रीम इलेवन पे आ चुका हूँ, लेकिन वीडियो अगर आपका अच्छा लगा तो भी जरूर लाइक करना यार। यार हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए भी, तो आप लोगों को जस्ट लाइक करना होता है और क्या करना है। और अगर आपको मतलब कुछ भी फीडबैक देना है, वीडियो कैसा लगता है नहीं लगता है उसको भी कमेंट में बताना, और आज के मैच में कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा आपको लगता है प्लेयर, उसके बारे में आपको उसके उस प्लेयर के बारे में भी कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, ठीक है। तो गाइज देखिए विकेट कीपर सेक्शन है, जॉस बटलर का फॉर्म उतना खास नहीं दिख रहा है, दो तीन मैच से फ्लॉप जा रहा है, बट मस्ट पिक होगा, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में मस्ट पिक होगा। लेकिन अगर फास्ट बॉल करेगा तो मे बी इसको शामी आज भी मतलब शामी आउट कर सकता है, क्योंकि फास्ट बॉल करेगा तो शामी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उस टाइम पर बॉल भी उसका ज़्यादा स्विंग बहुत स्विंग भी करता है, ठीक है। तो दोनों ओपनर के लिए थोड़ा सा थ्रेट रहेगा, शामी मोहम्मद शामी दोनों ओपनर के लिए थोड़ा सा थ्रेट रहेगा, तो दोनों में से एक तो जाएगा ही जाएगा। अभी कौन जाएगा, सबसे ज़्यादा जाने का चांस जयसवाल का होगा, मैं बाद में मतलब एक बार आप लोगों को समझा दूंगा कौन किसका किस टाइम पर आउट होने का चांस रहेगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से बटलर मस्ट होगा, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देगा, आप कैप्टन वैसे तो ना कर सकते हो बट कुछ ना कुछ आपको पॉइंट देके जाएगा। सैमसन को आप ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में जरूर ट्राई करेगा, विकेट कीपर का आपको बैकअप मिल जाएगा, प्लस जैसे अपने टॉप और जैसे अपने बटलर प्लस जयसवाल में से एक को ड्रॉप कर दिया तब तो उस टीम में आपके टीम में मस्ट पिक होगा। बाकी दोनों को अगर आप ट्राई करें तो उस टीम में थोड़ा सा आप छोड़ने का रिस्क, जैसे बाई चांस अगर ये लोग 10 ओवर खेल गए तो सैमसन का उतना रोल
अच्छा नहीं रहेगा, ये फ्लॉप भी चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जब टॉप ऑर्डर चलते हैं ना तो ऑन डाउन वर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप जाते हैं, प्लस टॉप ऑर्डर जैसे बाटलर चलते हैं ना तो सैमसंग भी फ्लॉप जाने का फ्लॉप भी जाता है। मतलब ये मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी साहा हिट और मिस टाइप प्लेयर है, मतलब लेकिन विकेट कीपर से आपको पॉइंट देके जाएगा, तो इसीलिए आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करेगा, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा इसलिए कोई भी बैट्समैन आराम से कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा, इसलिए आप जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। शुभमन गिल आपके टीम में मास्ट पिक होगा, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में मास्ट पिक होगा, और अगर सेकंड बैट करेगा तब आप कैप्टन फैसलटन भी मार सकते हो, और फर्स्ट बैट करेगा तो एज ए प्लेयर रखना आज के मैच में, ठीक है। हिटमैन को आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करेगा, जैसे क्या बोला मैंने आप लोगों को, जायसवाल और बाटलर में से एक का फ्लॉप जाने का चांस रहेगा, तो दोनों में अगर आपने किसी भी टीम में दोनों को फ्लॉप कर दिया, या आप दोनों में से जैसे सैमसन बाटलर और जायसवाल इन तीनों में से दो को फ्लॉप कर दिया, उस टीम में आपका हिटमैन मस्ट पिक होगा, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और इस हिटमैन का रिकॉर्ड भी थोड़ा सा हेड टू हेड अच्छा है, आप जरूर इसको आज के मैच में पांच के हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो, बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। जायसवाल को आप जायसवाल जैसे मैंने बोला आपको, उसका सामी थोड़ा सा थ्रेट रहेगा, और हार्दिक पांड्या भी ओपनिंग बॉल करे तो उसका भी हेड टू हेड मतलब जो मैचअप है वो थोड़ा सा बटलर के साथ थोड़ा सा खराब है, बटलर का खराब है हार्दिक पांड्या और सामी के खराब खिलाफ, तो इसीलिए आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मुझे लगता है आज के मैच में जायसवाल का फ्लॉप जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, आप ग्रैंड लीग में तो जरूर छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, बाकी फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है और वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, बट हेड टू हेड रिकॉर्ड खराब है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ग्रैंड लीग में छोड़ने का जरूर रिस्क लीजिएगा, ठीक है, स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा, ठीक है। डेविड मिलर को आप बहुत अच्छा रिकॉर्ड है डेविड मिलर का, आप डेविड मिलर का आज के मैच पे बैक कर सकते हैं, खास करके सेकंड बैट पे, और फास्ट बैट पर अगर आपको ट्राई करना था तो फिर आपको साहा को ड्रॉप करना होगा, या आप अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो गिल को भी ड्रॉप कर सकते हो फास्ट बैट पर, ठीक है, तो उस टाइम पे आप डेविड मिलर आपके टीम में मस्ट पिक होगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज थोड़ा सा रिस्की पिक हो जाएगा क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करता है। सिमरन हिटमायर जैसे मैंने बोल दिया आपको, देवदूत पाटकल अगर जैसे आप फटा मतलब एक दो ओवर के अंदर अगर विकेट गिर जाएगा, जैसे जायसवाल या बटलर आउट हो जाएगा ना, मोस्टली मैं जायसवाल की बात कर रहा हूँ, तब उस टीम में आपके टीम में मतलब आप सोच रहे हो कि ओपनिंग मतलब एक दो ओवर के अंदर जायसवाल आउट हो जाएगा, तो उस टीम में आपके देवदूत पाटकल आपके टीम में होना चाहिए, आपके टीम आपके लिए पंतिक हो सकता है दो करोड़ मतलब जीएल में, ठीक है। देवदूत पाटकल को 24% लोग लेके जा रहे हैं, तो आराम से आपको ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक दिला सकता है, बट एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ना, फॉर्म की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, बट मुझे लगता है अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप जाएगा तो फिर ये आराम से रुक रुक के कुछ ना कुछ पॉइंट देके जा सकते हैं, इसलिए आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करेगा। अभिनव मनोहर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, धूप ज्वेल भी बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, बट प्लेयर अच्छा है इसीलिए आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करिएगा। जैसे कंडीशन वही है जैसे हिट मार के मैंने बोला आपको, सेम कंडीशन इसका भी है, ठीक है। बाकी रहे तियोतिया को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बहुत नीचे बैटिंग करते हैं इसीलिए, ठीक है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या मस्ट पिक होगा, अगर फास्ट बॉल करते हैं तब तक आपकी टीम में मस्ट पिक होगा, मतलब मस्ट पिक तो होगा ही होगा, बट कैप्टन भैसेन अगर आपको करना है तो फास्ट बॉल करेगा तो आपको जरूर कैप्टन भैसेन करेगा। वेन्यू पे हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, बट एक थोड़ा सा कॉन्सर्न है कि बॉलिंग का थोड़ा सा कॉन्सर्न है कि बॉल करेगा कि नहीं करेगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है, बट अब स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आपको टीम में मस्ट पिक होगा, प्लस अगर फास्ट बॉल करेगा तो कैप्टन भैसेन होगा। और अश्विन मुझे लगता है मस्ट पिक होगा क्योंकि एवरी मैच में इसको एक दो विकेट मिल रहा है और फॉर्म भी अच्छा है, आराम से आपको बैटिंग से भी कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा, और एज ए प्लेयर आप रखोगे तो आराम से आपका टीम में रहेगा और कुछ ना कुछ आपको पॉइंट देगा, मतलब मस्ट पिक होगा आपके टीम में, ठीक है। विजय शंकर का पंत पिक हिसाब से ट्राई कर सकते हो, जैसे आपने गिल और साहा में से एक को ड्रॉप कर दिया या दोनों को ले लिया ना, तब भी इसको ट्राई कर सकते हो, जैसे सेकंड बैट कर रहा है तो उस टाइम पे ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, फास्ट बैट करेगा तो थोड़ा सा रिस्की होगा, ठीक है। फर्स्ट बैट करेगा तो थोड़ा सा, लेकिन सेकंड बैट ये पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो कि सेकंड बैट करेगा तब आप विजय शंकर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सोचिए हार्दिक पांड्या विजय शंकर साहा और गिल चार बैट्समैन हो गए आपके, ऑलराउंडर दो बैट्समैन को मिलकर चार बैट्समैन होगा, सोचो आप गुजरात आराम से जीत रहे हैं तो यही चार मिलकर आराम से रन को मतलब कवर कर लेगा, ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जेसन होल्डर उतना खास पिक नहीं रहेगा, अगर आपको लेना है तो अगर खेलता है तो फास्ट बॉल पर ही ट्राई करिएगा, सेकेंड बॉल पर बहुत मतलब कुछ काम का नहीं है, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेक्शन में मोहम्मद शमी फास्ट बॉल करेगा तो मस्ट पिक होगा आपके टीम में, प्लस आप अगर कैप्टन भाई सेटन करना चाहते हैं तो फिर फास्ट बॉल पर ही करिएगा, सेकंड बॉल पे एज ए प्लेयर रख सकते हो, बहुत अच्छा फॉर्म में जा रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि दोनों जो बटलर का फॉर्म भी उतना खास नहीं दिख रहा है मेरे को, जायसवाल अच्छा खेल रहा है बट दोनों को आउट भी कर सकते हैं शमी, तो इसीलिए आप जरूर ग्रैंड लीग में इसको फास्ट बॉल करेगा तो कैप्टन भाई सेटन कर सकते हैं, और फास्ट बॉल करेगा तो आज के मैच में जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है मेरे को, और बैटिंग फील्ड पिच भी हो सकता है, बॉल में भी उतना मूवमेंट ना करे, बाकी देखा जाएगा टॉस से पहले जो पिच रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा क्या होने वाला है
क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी राशिद खान सेकंड बॉल करेगा तो आप कैप्टन का भी, कैप्टन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बाकी फास्ट बॉल पर आपके टीम में बाकी टीम में तो मस्ट पिक होगा, चाहे स्मॉल लीग या लीग, लेकिन कैप्टन करना है तो फास्ट सेकंड बॉल पर ही करना, ठीक है। ट्रेंड बॉल आपके टीम में मस्ट पिक होना चाहिए, चाहे सेकंड बॉल हो या फास्ट बॉल हो। अगर लाइनअप में आएगा तो फिर जरूर, थोड़ा सा इंजुरी कॉन्सर्न था बट लाइनअप में आएगा तो फिर आपकी टीम में मस्ट पिक होगा, चाहे फास्ट बॉल या सेकंड बॉल हो रहा है। चहल का थोड़ा सा फॉर्म का कंसर्न दिख रहा है, लास्ट पांच मैच में अगर आप देखेंगे तो लास्ट पांच मैच में ये डीम टीम में ही नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं उनमें से दो तीन मैच में तो ये तो माइनस दो पॉइंट देखे, तीन मैच में माइनस दो पॉइंट देखे गए, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। बहुत कम लोग देखिए 50% लोग लेके जा रहे हैं, बट इसका फॉर्म बहुत अच्छा खराब है, इसीलिए आप गैन लीग में इसको जरूर छोड़िएगा, इवन स्मॉल लीग में भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको ट्राई करना है तो सेकेंड बॉल पर ही थोड़ा सा ट्राई करिएगा, फास्ट बॉल पर तो आप गैन लीग स्मॉल लीग दोनों पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्राई करना है चहल को तो सेकेंड बॉल पर ट्राई करने का थोड़ा सा, जैसे राजस्थान ने 200 के आसपास रन कर दिया तो आराम से इसको पेसर में एक दो विकेट इसको मिलने का चांस रहेगा। बाकी फॉर्म मुझे थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है, ठीक है। एन अहमद को आप गैन लीग में जरूर ट्राई करेगा, प्लस अगर रिक्स लेना चाहते हो स्मॉल लीग में भी आपके लिए पंत पिक होगा। बहुत अच्छा लाइन लेंथ पे बॉल करे और इकोनॉमिक बॉल करे, आराम से एक दो विकेट लेके जा रहा है हर एक मैच में। जस्ट पिछले मैच में फ्लॉप गया बट मुझे लगता है इस मैच में भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा, तो आप जरूर इसको अपने टीम में रखिएगा, स्मॉल लीग गैन लीग दोनों में आप रख सकते हैं, ठीक है। बाकी संदीप शर्मा डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं बट मुझे देखिए ये आप देख सकते हैं कि हर एक मैच में आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देके जा रहे हैं। जैसे आपने चहल को ड्रॉप करे तो उस टीम में आपके टीम में संदीप शर्मा मस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और बाकी डेथ ओवर में बॉलिंग करें तो इसके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक हो जाएगा। और मोहित शर्मा आप गैन लीग में जरूर ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में रिस्की होगा। बाकी मैं चैनल पर बोल दूंगा आपको किस टाइप पर लेना है नहीं लेना है मोहित शर्मा, जैसे पिछले मैच में मैंने आप लोगों को बोल दिया मोहित शर्मा पंत हुआ, बाकी सिचुएशन के हिसाब से मैं आज के मैच में भी आपको बोल दूंगा कि मोहित शर्मा को लेना है नहीं लेना है। बट अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ अगर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ना, गुजरात का कौन सा बॉलर पूरा ओवर, जैसे मोस्ट ऑफ द मोहित शर्मा की बॉलिंग का थोड़ा सा मतलब ये हो रहा है, बट पिछले मैच में भी इंजुरी था जो पिछले जिस मैच पर एक ओवर बॉलिंग किया उस मैच के मैं बात करूं इंजुरी था इसलिए बॉल नहीं किया। बाकी जो लास्ट मैच है उसमें तीन ओवर बॉल किया, अगर बॉल करेगा दो तीन ओवर तो आराम से ये एक दो विकेट लेके जाएगा क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, इसीलिए थोड़ा सा। लेकिन आप जीएल में जरूर ट्राई करेगा, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की होगा। बाकी जोशुआ लिटिल को आप गैन लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की होगा, ठीक है। बाकी देखिए उतना कुछ कोई फास्ट मतलब अच्छा पिक नहीं है। अगर आपको लेना चाहते हैं गैन लीग में का कोई लाइनअप में आता है तो जरूर ट्राई करेंगे, प्लीज चैनल पे भी हमें बता दूंगा कौन सा प्लेयर अच्छा होगा आपके लिए। बाकी मैं देखिए आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो आपको टीम बनाने में हेल्प होगा। तो मेरे टीम में जो जो मस्ट पिक होगा मैं उसको पिक कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या है। ये प्लेयर मेरे टीम में मस्ट पिक होगा, उनमें से मैं अगर एक दो सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस भी कर सकता हूँ। बाकी जैसे मैंने बोला आपको गिल भी मस्ट होगा आज के मैच में। बाकी जायसवाल और बाटलर में से एक फ्लॉप जाएगा, अभी कौन जाएगा वो थोड़ा सा देखने की बात है, बट फॉर्म के हिसाब से अगर जाएंगे तो बटलर का फ्लॉप जाने का चांस है। और मतलब और जायसवाल का जो फॉर्म चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो इसको भी रन करने का ज़्यादा चांस रहेगा। बाकी देखिए जैसे मैंने बोला आपको अगर मैं शाह को ड्रॉप करूँगा तो डेविड मिलर मेरे टीम में मस्ट पिक होगा। प्लस अगर मैंने टॉप ऑर्डर जैसे मैं जायसवाल को कर रहा हूं तो क्या होगा, हिटमेयर या पार्टिकल में से एक मस्ट पिक होगा मेरे टीम में, ठीक है। प्लस में इधर से एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें मैंने टॉप ऑर्डर एक ही प्लेयर ड्रॉप कर दिया, जैसे जायसवाल को ड्रॉप कर दिया तो फिर मेरे टीम में मस्ट पिक तो शमी होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे देखिए आप कॉम्बिनेशन कहने ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा मतलब टॉप ऑर्डर फ्लॉप कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। जैसे टॉप ऑर्डर में मैंने जस्ट एक बटलर को लिया, मतलब जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक शुभमन गिल को लिया, बटलर को लिया, बाकी मैंने प्लस सैमसन को लिया। बाकी देखिए अब मिडिल ऑर्डर का दो बैट्समैन डेविड मिलर हिटमेयर है और मैंने टॉप ऑर्डर दो बॉलर ले लिया, मतलब जो टॉप में बॉल करेगा 10 बॉल को ले लिया और सामी को ले लिया। तो दोनों मैंने मेन स्ट्राइक बॉलर, बाकी मैंने मिडिल ऑर्डर का नूर अहमद, राशिद खान, आर आर स्विन को ले लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन है। बाकी आपको जैसे मतलब जो जो अभी पॉइंट दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर चलेंगे तो आप देख सकते हैं जयसवाल मेरे टीम में मस्ट पिक होगा, हिटमेयर को मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद विजय शंकर जो बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा है मैं उसको भी बैक करूंगा। बाकी इधर से मैं नूर अहमद को छोड़ के एक और बैट्समैन ले लूंगा, इस टीम में विजय शंकर का कोई काम नहीं है, सॉरी मिलर का कोई काम नहीं है, तो इस टीम पे मैं
जैसे मैंने पाडुकल को बोला टॉप ऑर्डर में, अगर जैसे आउट बटलर आउट हो जाएगा तो फिर इस टीम में अगर बटलर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो बटलर आउट हो जाएगा तो पाडुकल या सैमसन में टॉप मतलब बैटिंग करने का ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, तो एक और देखिए आप कॉम्बिनेशन हो गया, सिंपल सा कॉम्बिनेशन में ज़्यादा कुछ हटके नहीं किया मैंने, और जैसे मैंने जो जो फॉर्म में नहीं है ना उसको आप छोड़ के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आप उसको बैक करने जाएंगे तो आपका ही बैक हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इमोशन को कंट्रोल करिएगा तो आप अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं। तो गाइस देखिए एक और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, इसमें मैंने टॉप ऑर्डर को ले लिया, जैसे साहा है, गिल है, जायसवाल है, उसके बाद सैमसन भी है, पाडुकल, मैंने जस्ट एक बैट्समैन ड्रॉप कर दिया जो बटलर है, क्योंकि मैंने बोला दोनों में से एक चलेगा तो दोनों को मैं एक ही टीम में नहीं रखने का ही ज़्यादा चांस रहेगा, बाकी एक दो टीम में तो जरूर ट्राई करेगा दोनों में से एक को, क्योंकि चल भी सकता है ना, तो इसीलिए बाकी मोस्ट ऑफ द टीम में मैं ट्राई करूँगा दोनों में से एक को रखने का। बाकी इस टीम में अगर कैप्टन करना है मेरे को तो मैं हार्दिक पांड्या को कैप्टन कर सकता हूँ, गिल को भी कैप्टन कर सकता हूँ और सैमसन को भी कैप्टन कर सकता हूँ। बाकी अगर सेकंड बॉल करेगा तो इसी टीम में मैं राशिद खान को भी कैप्टन मार सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे आप थोड़ा सा हटके आपके कॉम्बिनेशन बना सकते हो जिसमें सिंपल सा कॉम्बिनेशन बना के आप अच्छा खासा रैंक कर सकते हो, बट थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, ज़्यादा रिस्क लेने से क्या आपका टीम खराब हो जाएगा, आप लॉजिकल रिस्क लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी जरूर लाइक करना और हमारा टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना। तो गाइज अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक हमारे बने रहिए जी फैमिली के साथ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अभी हम लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।